नमस्कार किसान भाइयों, सरसों की खेती का समय नज़दीक आ गया है और किसान भाइयों की वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि सरसों की खेती पर एक संपूर्ण जानकारी पर एक वीडियो आना चाहिए गोल्ड किसान की ओर से। तो किसान भाइयों, आ गया आज एक वीडियो जिसमें हम सरसों की खेती के संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि सरसों की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, खेती की तैयारी कैसे करें, उर्वरक कैसे डालें, कौन सा वैरायटी लगाए, कौन सा बीज लगाए, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कैसे सिंचाई करें, क्या करें, कटाई तक का सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सरसों से बुआई से लेकर कटाई तक के संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में किसान भाइयों आज मैं दूंगा आपको। तो वीडियो में बने रहिए आप अंत तक। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो किसान भाइयों बता दें कि इसकी बुआई के समय, किसी भी फसल को उगाने के लिए उसका बुआई के समय सबसे महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों बता दें कि सरसों की खेती की बुआई का समय है 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं किसान भाइयों सरसों की खेती कितने दिनों में तैयार हो जाती है, 125 से 130 दिन में यह पककर काटने लायक बिल्कुल तैयार हो जाता है सरसों की खेती। अगर किसान भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, इसके लिए मिट्टी कैसा होने चाहिए, तो किसान भाइयों बता दें कि यह किसी भी प्रकार की मिट्टी पर इसे उगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी बता दें इसके लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त यानी सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। तो किसान भाइयों बता दें कि बलुई और दोमट मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी गई है सरसों की खेती के लिए। और तापमान की बात करें किसान भाइयों, किसी भी फसल के उगाने के लिए तापमान उसका काफ़ी मायने रखता है। तो किसान भाई बता दें कि सरसों की खेती के लिए तापमान की आवश्यकता तो 18 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान की आवश्यकता होती है, यानी 18 से 25 के बीच में कितना भी तापमान हो सरसों की खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है। अगर पीएच मान की बात करें किसान भाइयों की, सरसों की खेती के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, तो बता दें किसान भाइयों की 6 से 7.5 पीएच मान इसका होना चाहिए, 6.0 से लेकर 7.5 तक। और इसकी सिंचित और असिंचित दो तरीके से खेती किया जाता है। और बात कर लेते हैं खेती की तैयारी के, किसान भाई तो आपको 2 चास रोटा कल्टीवेटर से पहले जुताई कर लेना है और उसके बाद 2 चास रोटावेटर से जुताई करना है। और उसके बाद किसान भाइयों बता दें कि इसमें 5 से 6 टन गोबर प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डालिएगा अच्छी पैदावार के लिए। अगर बता दें किसान भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सरसों की खेती का, उन्नत किस्में कौन कौन सी है जो कि आपको लगाना चाहिए इस बार, तो बता दें किसान भाइयों श्रीराम 1666 ये काफ़ी अच्छा किस्में है। इसका बता दें 125 से 130 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाता है। और बता दें इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है किसान भाइयों। अगर आप चाहते हैं कि इस पर पूरा वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। सरसों के टॉप वैरायटी पर हमने वीडियो पहले ही बना चुके हैं किसान भाई, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर आता है पायनियर 45S42, यह भी सभी प्रकार के मिट्टी में उगाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं रोपाई के बाद खाद की, तो 50 kg DAP प्रति एकड़ के हिसाब से, 50 kg पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से, 30 से 35 दिन बाद अगर इसमें 35 kg यूरिया और 10 kg जाम डालिएगा। तो यही था सरसों की खेती की संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।